अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाइलाज ब्यूटी सीक्रेट्स में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज मैं आपके साथ एक अपनी ज़िंदगी का वाक्या शेयर करने लगी हूँ। रोज़ हम आपको जो बताते हैं ब्यूटी टिप्स बताते हैं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ एक असली वाक्या शेयर करूं और एक हेल्थ टिप भी मैं आपको दूँ। शुगर हमारे घर पाकिस्तान में एक हर घर का मसला है, हर बंदा इससे तंग है, हर बंदा इससे परेशान है। इवन कि मेरी वालदा की डेथ भी इसी से हुई। और जब मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मुझे बहुत हुआ कि शुगर की वजह से यार मेरी अम्मी मर गई। बहुत अरसा मैं इस गम में रही, फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। मैंने अपने जो उस्ताद थे उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कुछ चीज़ें बनाई और एक दिन मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाने में कामयाब हो गई हूँ जिससे अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो मैं नहीं कहूँगी, 80% ज़रूर उससे फ़ायदा होता है। हुआ यूँ कि मैं रेडियो पे एक प्रोग्राम कर रही थी और मुझसे एक साहब की कॉल आई। उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी वालदा को शुगर है और शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास कुछ ऐसी टिप है तो मुझे बताइए। तो मुझे एकदम मेरे जहन में हुआ कि मेरी माँ की भी तो ऐसी डेथ हुई थी ना, मुझे इनको ज़रूर वो बताना चाहिए। मैंने उनको वो टोटका बताया। टोटका बताने के कुछ अरसे बाद की बात है, कोई 2-2.5 माह की, मेरे जहन से भी निकल गया, भूल भाल गई मैं। घर बैठी थी तो मेरे प्रोड्यूसर की कॉल आई कि नायला एक पठान फैमिली आई है और वो आपको ढूंढ रही है, आप आएँ। पहले तो मैं घबरा गई, मैंने कहा पठान फैमिली, ओ माय गॉड ये क्या मैंने कर दिया। कहते कुछ गलत तो नहीं बता दिया, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गलत कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आकर उनसे बात करती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो 2 खवातीन वो टोपी वाला बुरका पहने हुए थी, 2-3 उनके साथ बंदे थे बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पठान मूछों वाले। वो खवातीन मुझे एकदम हक करके मिली और एक उसमें आंटी थी, उन्होंने मेरे हाथों को चूमना शुरू किया। तो मैंने कहा क्या, वो मुझे उनकी ज़बान भी समझ नहीं आती। तो उनका जो बेटे जिसने मुझे कॉल की थी वो वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे कहा कि नायला आपने हमें एक टिप जो बताई थी शुगर की, मेरी वालदा की बहुत हालत ख़राब थी और माशाल्लाह ये चल कर आई हैं और उनकी शुगर अब नॉर्मल है। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने बहुत लोगों को फिर वो बताया और जिसको भी मैंने बताया मुझे इतना प्यार मिला जवाब में, दुआएं मिली, मुझे इतने गिफ्ट्स मिले कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने 1 किलो गंदुम लेनी है साबत, 1 किलो आपने नीम के पत्ते लेने हैं। इस्लामाबाद में या मुख्तलिफ जगहों पर नीम और दरेक में बहुत मुश्किल होता है पहचान करना कि दरेक कौन है नीम कौन सा है। नीम के पत्ते लेने, दरेक के पत्ते नहीं लेने। उन पत्तों को आप सादा पानी से धो लें और उस गंदम को उस नीम के पत्तों के साथ पानी में भिगो दें। वो पानी इतना होना चाहिए कि नीम और गंदम डालने के बाद इतना 4 इंच ऊपर पानी हो। पूरी रात वो भीगा रहे, दूसरे दिन जब उसको 24 घंटे पूरे हो जाएं, आपने वो चूल्हे पे रखना है, उसको 1 या 2 जोश दे लेने हैं और उसके बाद आपने पत्ते निकाल के फेंक देने हैं, पानी भी फेंक देना है, गंदम को सुखा लेना है धूप में। सुखाने के बाद आप उसको पिसवा लें, चक्की से आराम से पिस जाता है। जब वो पिस जाए तो आपने वो लेना है, उसको आपने जैसे 1 किलो गंदम है तो आपने 1/2 किलो देसी घी लेना है। उस देसी घी में उसको आटे को भून लेना है। जब अच्छी तरह भून जाए तो उसमें आपने सारे ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सब मोटा मोटा कूट के उसको डाल दें उसमें। और जब ये भी सारा आपको खुशबू आने लगे तो आपने उसमें शक्कर डालनी है, इतनी कि आपको टेस्ट आने लगे, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। शक्कर सिर्फ हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा टेस्टी हो जाता है तो पेशेंट के लिए खाना आसान होता है। वो शक्कर ठंडा करके आप शक्कर डाल दें, उसके बाद आप उसको किसी बर्तन में, किसी पॉट में, हॉट पॉट में रख दें। ये आपका 4-5 माह के लिए बहुत होगा। देखिए मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। और इसको आप रख दें शाम के टाइम, मतलब 4 बजे जब हम चाय पीते हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच जो पेशेंट है शुगर का वो खा ले, या नाश्ते में भी खा सकते हैं, और लेकिन बेस्ट जो उसका टाइम हम बताते हैं वो यही आप खा लें। आप जिस दिन शुरू करेंगे आप शुगर टेस्ट करा लीजिएगा और एक्जैक्ट 10 दिन के बाद आप शुगर टेस्ट करा लीजिएगा। मुझे बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जो शुगर के पेशेंट को ये इस्तेमाल करेंगे उनकी शुगर ठीक हो जाएगी। और ये मौसम बहुत अच्छा मौसम है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पिंजीरी टाइप ये बन जाता है, हम लोग पिंजीरी और शह की चीज़ें इसी मौसम में ज़्यादा खा सकते हैं। गर्मियों में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इससे ताकत भी आएगी, इससे आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। इसमें जैसे कि हमने बादाम भी डाले हैं, इसमें हमने किशमिश, पिस्तावत, सारी चीज़ें, अखरोट शामिल हैं, ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक वक्त में अपने 2 से 3 चम्मच खाने, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा क्यू टीवी, हम आपके लिए लेकर आएंगे मज़े मज़े के प्रोग्राम, मज़े मज़े की टिप्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।